किसान भाइयों विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे थे एक किसान के खेत में। यहाँ पे एसएसमान कंपनी की हार्वेस्टर चल रही थी जो भूसा को स्टोर करने वाली है। हमारे साथ कंपनी के ओनर हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। मार्केट में हार्वेस्टर तो बहुत देखी है मगर इनके जैसी नहीं देखी जो आपने बना रखी है। ये मशीन भैया जो वेस्ट होता है गेहूँ का हो, सरसों का हो, ग्वार का हो, मूँग का हो, किसी फसल का भी हो, उसको ब्रीक करके ना उसका भूसा बनाकर ट्रॉली में स्टोर करती है। जो दूसरे वाली हार्वेस्टर है वो उसको पीछे फेंक देती है जी। इसमें 8-9 क्विंटल भूसा आता है जी, 8-9 क्विंटल गेहूं आ जाता है, वो बिल्कुल नुकसान नहीं करती, नीचे से काटती है। इसमें आदमी कितनी लेबर की जरूरत पड़ने वाली है सर इस मशीन पे? इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती लेबर की, ड्राइवर और हेल्पर हमारा ही चलता है, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जो लेबर है लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। सर थोड़ी सी किसान भाइयों को जो आपने मशीन तैयार की है इसके बारे में जानकारी दीजिए, इसके कटर के बारे में, थोड़ा सा रील के बारे में बता। ये कटर है आगे वाला भैया, ये तो गेहूं वाला भी बनता है, 3-4 रेटों में बनता है, पहले मोटर लगे, मोटर वाला भी बनता है जी, वो सिंपल भी बनता है जी। ये कटर इसका सरसों भी खड़ी काट देता है जी, जैसे गेहूं, गेहूं तो ऐसे काटता है जी, सभी फसल इसी से काट देती है। मतलब सरसों काट कर उसका भूसा स्टोर करती है? हाँ, भूसा स्टोर करता है, खड़ी सरसों काट के उसका भूसा स्टोर हो जाता है ट्राली में जी। सर लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर थोड़ा सा मैं इसके पीछे जानकारी लेना चाहता हूँ, इसमें जो चैनें वगैरह दी गई हैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं हम इसके? हाँ भैया डायमंड की चैन यूज करते हैं इसमें, 2 एलिवेटर वाली है वो भी है, वो भी है, डायमंड की चैन ही लगाते हैं जो उसकी चासी है। देखो चासी कितनी हैवी लगाते हैं, मगला हिस्सा हब्बा है जी जी सर, वो 12-10 गड्डी के हब्बा लगाते हैं, सारा हैवी सामान लगाते हैं इसमें, हल्का नहीं लगाते। और सर इसमें ऊपर मैं एक टैंक देख रहा था गेहूं वाला, हाँ जो स्टोर कर, उसमें कितना जो गेहूं स्टोर हो जाता है? इसमें 8-9 क्विंटल गेहूं आ जाता है जी सर। हाँ। और भूसे टैंक की बात करें तो 8-9 क्विंटल भूसा आ जाता है इसमें जी सर। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसमें कैसा सिस्टम रहता है? इसके हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, जब भर गया उसको जहाँ से उतारना है, बिग्गा दो बिग्गा जहाँ से भी एक जगह एकत्र करना है, 10 किले का 10-8 का जितना भी है, एक जगह लिफ्ट उतारो वो नीचे उतर जाता है, उसको लिफ्ट से उतर जाता है। सर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस रहने वाला है इस मशीन का? इसका भैया 12.5 लाख तो लेके 15-16 लाख तक अलग अलग मॉडल की कीमत बनती है। ऐसा क्यों सर इतना? एक तो इसके साथ ये कटर बड़े वाला है वो लेता है, ये 2.25 का भी बनता है, 2.25 का भी बनता है, मोटर वाला ला के या अलग अलग सिस्टम उगरदार रील का बड़ा करके। एक छोटा कटर आता है टोकरी वाला, उसमें जो काटी होती है फसल चना सरसों उसके बीच में फेंकना पड़ता है जी सर, तो ये सीधा काटता है। मतलब खड़ी हुई फसलों को काटने के लिए रील कटर है और कटी हुई फसलों को निकालने के लिए वो टोकरी वाला छोटा कटर है जी सर। और इसके दूसरे साइज का ही फर्क है, 56 इंच बनाते हैं, 51 इंची बनाते हैं जी, और जो गई 36 इंची बना देते हैं, उसके हिसाब से कीमत का डिफरेंस बैठ जाता है जी सर। उसका सर जी क्या नाम है सर आपका? परमेंद्र सिंह। कहाँ से हो सर? हम जहीं से जी, कोल्हापुर से। सर देंगे जानकारी इस मशीन के बारे में? सर मार्केट में अपने मशीनें बहुत देखी, क्योंकि इसमें ऐसा क्या खास था कि आपने इसी को ही लिया? सर इसमें ऐसा खास है ना जी, दूसरी मशीन वाले जो लेते हैं 25-26 लाख 28 लाख रुपये लगा लेते हैं बड़ी मशीन पे, उस पर अकेली ऊपर से काट के चले जाते हैं जी। हमारी मशीन सबसे बढ़िया इसलिए हमको मान देख लो, हम इसको नीचे से काटते हैं, भूसा स्टोर करते हैं, तोड़ी तारी सब कुछ एक बार करते हैं इकट्ठा, मतलब भूसा भी स्टोर करते हैं? हाँ जी, भूसा भी स्टोर करते हैं। इसमें सर क्या फ़ायदा रहने वाला है किसान का? क्या इसमें फ़ायदा ऐसा है जी, जैसे दूसरी मशीन से कटवाओ, पहले तो आप उप मशीन से कटवाओ, फिर भूसा बनाओ, रिपर से बनवाओ, पीछे पीछे ट्रॉली वाला सिस्टम, वो डबल काम हो जाता है किसान का समय और लेबर की बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारा ऐसा है, हमें ज़्यादा इसकी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग एक बार से इसका काम सब खत्म कर देते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें और किसान भाई को इतनी बड़ी जानकारी दी। किसान भाइयों आपको लाइव दिखाते हैं जे किस तरह मशीन काम करती है, खेत में किस तरह कटाई करते हैं, देखते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएस कंपनी की हार्वेस्टर, जो फसल की कटाई के साथ साथ भूसा भी स्टोर करती है, और आपको दिखाते हैं दोस्तों लाइव, ये अभी भूसा निकाल रही है जो अभी स्टोर किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसी दोस्तों फसल की कटाई हुई, गेहूं की कटाई करने के बाद जो भूसा स्टोर किया हुआ है, पीछे देख सकते हैं आदमी की कोई जरूरत नहीं इसमें, सिर्फ आपने ढक्कन खोलना है इसका, और आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ किस तरह मिनटों में ये भूसे को खाली कर देता टैंक।
दोस्तों आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक जैक सिस्टम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम समय में भूसे टैंक को खाली किया गया है, मात्र 30 मिनट में। क्या बात है, फसल की कटाई के साथ साथ भूसा स्टोर करने वाली हार्वेस्टर SSM मान कंपनी की हार्वेस्टर जो सुखपुरा में है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, लाइव देख सकते हैं जो भी भूसे के टैंक को खाली किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में भूसे टैंक को खाली किया गया है। आप देख सकते हैं SSM कंपनी की हार्वेस्टर जो गेहूं की फसल को निकाल रही है, तो आपको लाइव दिखाते हैं दोस्तों किस तरह कट रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं गेहूं की बड़ी सफाई के निकालते हुए हार्वेस्टर SSM कंपनी की, क्या बात है। भाइयों आपको हार्वेस्टर कैसे लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।